Hi Vajabadi, this is your educator Shubham Pathak and welcome to the lecture number 2 of your chapter Gender, Religion and Caste. पिछले चैप्टर में हमने जो है जेंडर पूरा पढ़ लिया था, रिलीजन वाला एस्पेक्ट भी थोड़ा सा पढ़ लिया था, लेकिन कम्युनलिज्म वाला टॉपिक हमने नहीं पढ़ा था. तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास कम्युनलिज्म से. कम्युनलिज्म क्या होता है, डेमोक्रेसी में कम्युनलिज्म क्यों नहीं होना चाहिए, हमारा देश सेकुलर स्टेट है तो कैसे है, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं कम्युनलिज्म की. बच्चा, कम्युनलिज्म और कॉम्युनिज्म दो अलग अलग वर्ड हैं. आपने क्लास 9th की SST में सोशलिज्म चैप्टर में जो टॉपिक पढ़ा था उसे कम्युनिज्म बोला जाता है. इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक एक वर्ड से इन्हें एसोसिएट कर लो. जब भी कम्युनिज्म सुनो जिसमें एल नहीं है, जिसमें कम्युनिज्म है जिसमें एल नहीं है, उसे आप इकोनॉमी से रिलेट करोगे. किससे रिलेट करोगे बच्चा? इकोनॉमी और जस्टिस से रिलेट करोगे. ठीक है, इकोनॉमिकल जस्टिस. जहां पे एल लगा हुआ है बीच में, कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म, उसे आपको रिलेट करना है रिलीजन से. है ना, किससे रिलेट करना है? रिलीजन में. देखो, रिलीजन में भी एल है, पॉलिटिक्स में भी एल है और कम्युनलिज्म में भी एल है. ठीक है, तो ऐसे आप याद करो तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा. तो कम्युनलिज्म क्या होता है बच्चा? रिलीजन और पॉलिटिक्स की ऐसी खिचड़ी जिसमें हम पॉलिटिक्स में ऐसा मान के चलते हैं कि रिलीजन ही सोसाइटी का आधार होना चाहिए, उसे हम कॉम्युनलिज्म मानते हैं. डेफिनेटली रिलीजन हमारे लाइफ का एक हिस्सा हो सकता है, हमारी पॉलिटिक्स का एक हिस्सा हो सकता है, हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन क्या वो हमारी सोसाइटी का सोल बेसिस हो सकता है, यानी कि अकेला आधार हो सकता है? नहीं. लेकिन जो लोग उसे सोसाइटी का इकलौता आधार मानते हैं उन्हें हम कॉम्युनल पीपल या कॉम्युनल कम्युनिटीज बोल सकते हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहली बात तो रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच में वार्तालाप हो, रिलीजन और पॉलिटिक्स की खिचड़ी बने, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम तब आती है जब रिलीजन पॉलिटिक्स में इस कदर घुस जाता है कि वो सोसाइटी में पार्टीशनशिप क्रिएट करने लगता है, मतलब कि सोसाइटी में विवाद क्रिएट करने लगता है, सोसाइटी में झगड़े क्रिएट करने लगता है, सोसाइटी में अलगाव की भावना क्रिएट करने लगता है. कितनी हिंदी निकल रही है मेरे मुंह से आज. जब एक रिलीजन के लोग अपने आप को दूसरे रिलीजन से समान मानने की जगह बेहतर मानने लगते हैं, जब एक रिलीजन के लोग अपने रिलीजन को छोड़ के बाकी रिलीजन को अपने से नीचे मानने लगते हैं, जब एक रिलीजन के समुदाय को दूसरे रिलीजन के लोगों के साथ झगड़ा करवाया जाता है, ये सब जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं रिलीजन और पॉलिटिक्स के मेल मिलाप के, इन्हीं नेगेटिव एस्पेक्ट्स को एकजुट करके हम क्या बोलते हैं? कॉम्युनलिज्म बोलते हैं. ठीक है, तो समझ रहे हो? जब आप मानो कि आपका रिलीजन, कोई पर्टिकुलर रिलीजन किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बड़ा है या बेहतर है, जब आप मानो किसी और का रिलीजन घटिया है, जब आप मानो कि एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के हमेशा अगेंस्ट ही खड़ा होना चाहिए, एक धर्म दूसरे धर्म के हमेशा अगेंस्ट ही होना चाहिए, कभी भाई भाई भाईचारा नहीं हो सकता दो धर्मों के बीच में, तब उसमें प्रॉब्लम है. तब उसमें आप क्या चाहते हो? कि आप चाहते हो कि कंट्री की पॉलिटिक्स को एक ही रिलीजन डिफाइन करे, एक ही रिलीजन उसे क्या करे? डोमिनेट करे. और वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि हम डेमोक्रेसी में हमेशा इक्वालिटी मांगते हैं, है ना, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, हर तरीके की इक्वालिटी मांगते हैं. जब एक धर्म दूसरे धर्म से बेहतर हो जाएगा तो वो श्रीलंका वाला केस नहीं हो जाएगा? श्रीलंका वाला पावर शेयरिंग में आपने केस पढ़ा ही है कि सिन्हाला धर्म को श्रीलंका की गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती थी, बाकी धर्मों को, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, हिंदुइज्म है, उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करती थी. तो ऑब्वियसली बाकी धर्मों के लोगों को बुरा लगेगा, राइट? सो कॉम्युनलिज्म एक ऐसी खिचड़ी है रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच में जिसमें रिलीजन को सोसाइटी का आधार माना जाता है, और जब एक रिलीजन के लोगों को दूसरे रिलीजन के लोगों के अगेंस्ट खड़ा जाता है, देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट आर द सेम, ऐसा मान के चला जाता है, ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर रिलीजन है, मान लो रिलीजन एक्स, तो उस रिलीजन के अंदर जितने लोग आएंगे सबकी एक ही तरीके की जरूरतें हैं. ऐसा जरूरी तो नहीं, एक रिलीजन के अंदर भी ऊंचा बड़ा इंसान हो सकता है, अमीर गरीब इंसान हो सकता है, लड़का लड़की दोनों तरीके के जेंडर हो सकते हैं, बाकी ट्रांसजेंडर्स भी हो सकते हैं, तो सबकी जरूरतें अलग हैं. लेकिन जब आप ये अज्यूम करके चलते हो कि एक रिलीजन के अंदर सारे लोगों की जरूरतें सेम होती हैं और उनकी जरूरतें बाकी रिलीजन के लोगों से हमेशा अलग होती हैं, राइट, और उनके अगेंस्ट होती हैं, तो वहां पे दिक्कतें शुरू हो जाती हैं. जब ये सोचते हो आप कि सामने वाले के रिलीजन की जो जरूरतें हैं वो ट्रिवियल हैं, ट्रिवियल का मतलब वो, मतलब उनका कोई अर्थ ही नहीं है, आपकी ही जरूरतों का अर्थ है, तो वहां पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. इट
ऑल्सो फॉलोज दैट पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजियस के नॉट बिलोंग टू द सेम सोशल कम्युनिटी। अब यहाँ पे ये भी कम्युनलिस्ट लोग इसको भी मानते हैं कि अगर आप दूसरे रिलीजन के हो तो आपस में कोई समानता नहीं हो सकती। भाई गरीबी क्या रिलीजन देख के आती है? बिल्कुल भी नहीं। सारे धर्मों के लोग हमारे देश में गरीब देखने को मिल सकते हैं, सारे धर्मों में अमीर लोग भी हैं, सारे धर्मों में गरीब लोग भी हैं। लेकिन कम्युनलिस्ट माइंडसेट क्या मानता है कि दो धर्मों के लोगों के बीच में कोई भी समानता नहीं हो सकती, या एक धर्म को मानने वाले जो फॉलोअर्स हैं वो दूसरे धर्म के हमेशा अगेंस्ट ही रहेंगे। इफ द फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन हैव सम कमोनिटीज, दीज आर सुपरफिशियल एंड इमटीरियल। और बाई चांस अगर कोई सेकुलर इंसान खड़ा होकर ये बोल दे कि भाई मेरे धर्म में जो मुझे प्रॉब्लम आ रही है या मेरी सोसाइटी में जो मुझे प्रॉब्लम आ रही है दूसरे धर्म के लोगों को भी वही प्रॉब्लम आ रही है, तो कम्युनिस्ट लोग ऐसा बोलते कि नहीं नहीं इस सब पे बात मत करो। बात तो सिंपल यही है कि हमारा धर्म ऊंचा है, तुम्हारा धर्म नीचा है, हमारा धर्म बेहतर है, तुम्हारा धर्म खराब है। ठीक है, तो ये है कॉमनल माइंडसेट, राइट? वो मान के चलते हैं कि उनके धर्म के जो इंटरेस्ट हैं वो बाकी धर्म के अगेंस्ट हैं और बाकी धर्म के इंटरेस्ट से बेहतर हैं। आप समझ रहे हो ना कि रिलीजन का पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस होना गलत बात नहीं, रिलीजन का पॉलिटिक्स में कॉमनल तरीके से एक्सप्रेस होना गलत बात है। इन इट्स एक्सट्रीम फॉर्म, जब कॉमनलिज्म बहुत ज़्यादा हो जाता है तो लोग ऐसा मानने लगते हैं कि दो धर्म साथ में रह ही नहीं सकते। जब आप कहीं पे कॉमनल दंगे सुनते हो, है ना, जब दो धर्मों के बीच में कॉमनल दंगे होते हैं तो वो दंगे क्यों होते हैं? वो दंगे एक दूसरे को मारने पे धर्मों के लोग क्यों उतारू हो जाते हैं? क्योंकि उनका मानना होता है कि हम दोनों धर्म अलग अलग रखते हैं तो हम दोनों साथ में भाईचारे के साथ रह ही नहीं सकते, तभी तो कॉमनल राइट्स होते हैं। तो ये जो धारणा है कि दो डिफरेंट धर्मों के लोग साथ में रह ही नहीं सकते, ये फंडामेंटल बेसिस पे, बेसिक लेवल पे ही ये क्या है, फ्लॉड है, यानी कि इसमें कमी है। किसी एक रिलीजन को सोसाइटी को डोमिनेट करना हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, सब लोग भाईचारे से प्रेम पूर्वक भी रह सकते हैं। ठीक है, एक धर्म का दूसरा देश बनाने की ज़रूरत नहीं है। भाई हमारे यहाँ तो बन ही गया था, हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था। क्यों वो बंटवारा क्यों हुआ था? कॉमनल बेसिस पे ही तो हुआ था। दैट वॉज द बिगेस्ट कॉमनल राइट ऑफ इंडिया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। हम ये मान के चल रहे थे उस टाइम पे कि अगर पर्टिकुलर रिलीजन है तो आपको हिंदुस्तान में रहना चाहिए, पर्टिकुलर रिलीजन है तो आपको पाकिस्तान में रहना चाहिए। ये कौन सी धारणा है? ये धारणा ही डेमोक्रेसी के खिलाफ है कि दो धर्मों के, दो अलग अलग धर्मों के लोग साथ में रह ही नहीं सकते। पीपल ऑफ वन रिलीजन डू नॉट हैव द सेम इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन इन एवरी कॉन्टेक्स्ट, एवरीवन हैज सेवरल अदर रोल्स, पोजीशन एंड आइडेंटिटीज। क्यों है ये धारणा गलत? चलो इस पे बात करते हैं। मैंने बोल तो दिया, एनसीईआरटी ने बोल तो दिया कि ये धारणा गलत है कि दो धर्म साथ में नहीं रह सकते, लेकिन क्यों गलत है? क्योंकि धर्म के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं। लाइक आई सेड, कुछ अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, कुछ ऊंची कास्ट के होते हैं, कुछ नीची कास्ट के होते हैं, बहुत अलग 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 वेरियस प्रकार के, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के लोग आते हैं हर धर्म के अंदर, और उन सबकी लाइफ अलग अलग होती है। उन सबकी लाइफ इतनी अलग अलग होती है कि वो आपस में चाहें तो कुछ सिमिलैरिटीज निकाल सकते हैं। अब भाई हिंदू धर्म का कोई गरीब इंसान है और इस्लाम धर्म का कोई गरीब इंसान है, या क्रिश्चियन धर्म का कोई, क्रिश्चियनिटी का कोई गरीब इंसान है, तो उन तीनों को गरीबी ही तो इरिटेट कर रही है या गरीबी ही तो प्रेशराइज कर रही है, तो उनमें ये कॉमन बात हो गई कि नहीं हो गई कि भाई हम तीनों गरीबी से जूझ रहे हैं, राइट? तो ये मान के चलना कितना फ्लॉड था कि कोई अलग धर्म के लोगों में आप में कोई सिमिलैरिटी ही नहीं हो सकती, है ना? देयर आर मेनी वॉइसेज इनसाइड एवरी कम्युनिटी, ऑल दीज वॉइसेज हैव अ राइट टू बी हर्ड। एक कम्युनिटी के अंदर, एक समुदाय के अंदर, एक रिलीजन के अंदर अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, हर धर्म के अंदर अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, और सबकी बातें सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? और सबको सुनना ज़रूरी, डेमोक्रेसी यही बोलती है कि सबको सुनना ज़रूरी है। Therefore, any attempt to bring all followers of one religion together in context other than religion is bound to suppress many voices within that community. इसीलिए जब हम सिर्फ रिलीजन को सोसाइटी का आधार मानते हैं तो ये जो बाकी चीज़ें हैं, गरीबी, एजुकेशन की प्रॉब्लम, हंगर की प्रॉब्लम, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ों को हम साइड पे रख देते हैं, सिर्फ धर्म के नाम पे हम सोसाइटी को इमेजिन करते हैं, और ये इमेजिनेशन ही गलत है, क्योंकि जो बाकी ज़रूरतें हैं लोगों की, बाकी ओपिनियंस हैं लोगों के, चाहे वो गरीबी पे है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट पे है, वो भी उतने ही जरूरी हैं जितना धर्म जरूरी है, ठीक है जी? चलिए, वेरियस फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म अलग अलग तरीके से देखा जाता है। सबसे कॉमन तरीके का जो कम्युनलिज्म देखा जाता है बच्चा, वो एवरीडे बिलीफ में देखा जाता है। आपने अपने रिश्तेदारों को, क्या पता आपने अपने पेरेंट्स को या पड़ोसियों को, दोस्तों को बोलते हुए सुना होगा कि भाई ये जो पर्टिकुलर धर्म वाले हैं ना, ये तो ऐसे ही होते हैं, ये जो ये धर्म वाले हैं ना, ये तो ऐसे ही होते हैं, ये धर्म वाले पता है ये तो खाते ही खाते हैं मांस मच्छी, ये वाले धर्म वाले में तो सब वेजिटेरियंस होते हैं। इस तरह की आपने कॉमन बिलीफ, कॉमन स्टीरियोटाइप्स बचपन से सुन के आप बड़े हुए होंगे, राइट? ये जो बिलीफ है, ये जो स्टीरियोटाइप्स है, ये कॉमनलिज्म का सबसे कॉमन
एक्सप्रेशन है, ये जो हमारे दिमाग में जो बसा हुआ है ना कि पर्टिकुलर धर्म में सारे लोग इस तरीके के होते हैं, ये धारणा ही सबसे कॉमन फॉर्म है कॉम्युनलिज्म का। अब आगे चलते हैं। दीज रूटीनली इन्वॉल्व रिलीजियस प्रेजुडाइसेस, स्टीरियोटाइप्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज एंड बिलीफ इन द सुपरियोरिटी ऑफ वन रिलीजन ओवर दी अदर रिलीजन। अब मान लो आप वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन हो और आपको बचपन से ये सिखाया गया है कि भाई पर्टिकुलर धर्म में तो सब लोग जो है मांस मच्छी ही खाते हैं, तो एज अ वेजिटेरियन आपको ऑलरेडी पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों से बात करने में थोड़ी सी आशंका होगी कि यार मैं तो उनके साथ कैसे उठूंगा बैठूंगा, मैं तो मांस मच्छी खाता नहीं हूं और मुझे तो बचपन से सिखाया गया है कि वो जो लोग हैं सब मांस मच्छी खाते हैं, राइट। ये मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रही हूँ। तो जब आप ऐसे स्टीरियोटाइप्स अपने दिमाग में बिठाते हैं, जो सोसाइटी आपके दिमाग में बिठाती है, तब ऑलरेडी आपको लगने लग जाता है कि यार मेरा धर्म बेटर है, उनका धर्म खराब है, या उनका धर्म बेटर है, मेरा धर्म खराब है, तो ऐसा कोई नहीं बोलता, बट हाँ उल्टा जरूर लोग हमेशा मान के चलते हैं। दिस इज सो कॉमन दैट वी ऑफन फेल टू नोटिस दिस, और ये इतना ज्यादा कॉमन है कि लोगों को खुद को नहीं पता होता कि वो कितना ज्यादा धर्म के नाम पे कॉम्युनलिज्म अपने दिमाग में बसाए बैठे हैं। मतलब ये चैप्टर नहीं होता एनसीईआरटी के तो शायद आप भी पिन पॉइंट नहीं कर पाते कि हाँ यार मेरे चाचा जी ने, मामा जी ने, या पड़ोसी ने, या भाई ने, बहन ने, या रिश्तेदार ने ये बात बोली थी जो शुभम मैम कह रही हैं या एनसीईआरटी कह रही है कि हाँ ये बात जो है डेफिनेटली कॉमनल है, राइट। सो हमें इतना ज़्यादा ये सब सिखाया जाता है कि हमें कभी मौका ही नहीं मिलता ये जानने का कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। अ कॉमनल माइंड ऑफन लीड्स टू अ क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेशन ऑफ वंस ओन रिलीजियस कम्युनिटी। और जब एक माइंड कॉमनल हो जाता है ना, जब बचपन से आप ये समझने लगते हैं कि आपका धर्म बाकी धर्मों से अच्छा है, बेटर है, बाकियों का धर्म बेकार है, तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि आपका आपका जो धर्म है वो पॉलिटिक्स में भी ज्यादा डोमिनेट करे, क्योंकि आपको ऑलरेडी लग रहा है कि भाई हमारा धर्म तो बेस्ट है ना, तो आप चाहोगे कि आपके देश में बेस्ट चीज हो, आपके देश की पॉलिटिक्स में बेस्ट चीज हो, तो आप वही वहां से वो धारणा भी निकाल लेते हो कि मेरा ही धर्म पॉलिटिक्स में डोमिनेट करना चाहिए और जो बाकी धर्मों के लोग हैं वो उनकी जरूरतें अच्छी नहीं है, उनकी जरूरतें लायक नहीं है, तो उनकी जरूरतों पर हमें ध्यान ही नहीं देना चाहिए। इसी को बोला जाता है मजोरिटेरियन डोमिनेशन। श्रीलंका का एग्जाम्पल लेते हैं। श्रीलंका में ज्यादातर सिन्हाला बोलने वाले लोग थे, सिन्हाला भाषी, तमिल भाषी बहुत कम थे। तमिल भाषियों का जो रिलीजन था वो तो या तो इस्लाम था या तो हिंदू था, कईयों का इस्लाम था, कईयों का हिंदू था, कईयों का क्रिश्चियनिटी भी था, लेकिन जो मेजोरिटी सिन्हाला बोलने वाले लोग थे श्रीलंका में, उनका धर्म क्या था? बुद्धिज्म था। जब सिन्हाला बोलने वाले लोगों का डोमिनेशन हुआ तो बुद्धिज्म का भी डोमिनेशन हुआ, जब बुद्धिज्म का डोमिनेशन हुआ तो बाकी लोगों को अपने धर्मों के बारे में क्या होना फील हो गया? नेग्लेक्टेड फील होना शुरू हो गया। तो यानी कि जो मेजोरिटी धर्म था देश में उसने हावी हो गया वो छोटे धर्मों पर, यानी कि माइनॉरिटी धर्मों पर देश के, छोटे धर्म नहीं संख्या वाइज माइनॉरिटी धर्मों पे हावी हो गया बुद्धिज्म श्रीलंका में, वहीं से तो सिविल राइट्स क्रिएट हुए। सो कॉम्युनलिज्म पॉलिटिक्स में ऐसा ही रूप धारण करता है, जब मजॉरिटी रिलीजन देश का, देश की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करने लगे तो माइनॉरिटी रिलीजन को वैसे ही डर के रहना पड़ता है, ठीक है। फॉर दोज बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ अ डिजायर टू फॉर्म सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट। फिर वो जो माइनॉरिटी धर्म वाले होते हैं उनके मन में सालों दर साल जब उन्हें नेग्लेक्टेड फील होता रहता है, जैसे श्रीलंका के केस में हुआ कि तमिल लोग बोलने लगे कि यार हमारा अलग स्टेट बना दो, अलग तमिल इलम बना दो, वैसे ही अगर कहीं पर भी धर्म के नाम पर माइनॉरिटी को बुरा फील होगा तो सालों दर साल बाद वो क्या बोलेंगे? भाई तुम्हें हम नहीं पसंद आ रहे तुम्हारे देश में, तुम हमें नहीं रखना चाहते हो, तो फिर तुम हमें कहीं और भेज दो, है ना, हमें कहीं और भेज दो, हमें एक सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट दे दो, सेपरेट देश दे दो या सेपरेट स्टेट दे दो। तो इस फॉर्म में भी कॉम्युनलिज्म देखने को मिलता है। अब इस कॉम्युनलिज्म के नाम पे लोग अपने वोट बैंक को भरने की कोशिश करते हैं, धर्म के नाम पे लोग वोट बैंक भरने की बहुत कोशिश करते हैं, वो अपनी पॉलिटिक्स में कैंडिडेट धर्म वाले ले आएंगे, है ना, या फिर वो धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे, या फिर वो अपने पॉलिटिकल इलेक्शंस में, इलेक्शन कैंपेंग्स में वो क्या करेंगे, धर्म के सिंबल, धर्म के रिलीजियस लीडर्स, या धर्म के नाम पे इमोशनल अपील करना, या धर्म के नाम पे लोगों के दिलों में भय प्रोवाइड करना, ये सब काम करेंगे। अरे आप वो सब छोड़िए, पॉलिटिक्स छोड़िए, आपने यूट्यूब पे देखा है कई वीडियोस आती हैं जो बोलती हैं कि अगर आप अपने माँ और पिताजी से बहुत प्यार करते हैं तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्या भाई मैं लाइक और सब्सक्राइब नहीं करूंगी तो मैं अपने माँ पिताजी से प्यार नहीं करती? ऑब्वियसली करती हूँ, है ना। तो इस तरीके का भय क्रिएट करके सोसाइटी में देखिए यूट्यूब पे व्यूज बटोरे जा रहे हैं। तो सोचो कि सेम तरीका रिलीजन के नाम पे पॉलिटिक्स में भी होता है, भय क्रिएट करके, डरा के, धमका के, इमोशनली मैनिपुलेट करके लोगों से धर्म के नाम पे अलगाव कराया जाता है। इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स दिस ऑफन इन्वॉल्व्स
दिस ऑफन इन्वॉल्व स्पेशल अपील टू द इंटरेस्ट और इमोशंस ऑफ वोटर्स टू वंस रिलीजन एंड प्रेफरेंस टू अदर. वोटर से बोला जाता है कि देखिए यार, हम कैंडिडेट आप ही के धर्म के हैं, आप ही के कास्ट के हैं, आप हमें वोट दीजिए क्योंकि हम आप ही के धर्म के हैं, बाकी जो दूसरा कैंडिडेट है वो तो आपके धर्म का है भी नहीं. धर्म के नाम पर वोट भी बटोरे जाते हैं. और सबसे अगली फॉर्म होता है कॉम्युनल राइट, कॉम्युनल वायलेंस. जब इतना ज़्यादा अलगाव हो जाए दो धर्मों के समुदाय में कि लड़ाई होनी शुरू हो जाए, दंगे होने शुरू हो जाए, तो वो सबसे अगली फॉर्म है कॉम्युनलिज्म का. और ऐसा हम देख चुके हैं, देश के आज़ाद होने से पहले ही जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था वो हुआ ही कॉम्युनल बेसिस पे था, धर्म के ऊपर था, राइट. उसके बाद भी हमारे देश में छोटे बड़े बहुत सारे दंगे हो चुके हैं, क्योंकि हमारा देश एक तरीके की खिचड़ी है जिसमें चावल भी है, अलग अलग तरीके की दाल भी है, नमक भी है, मसाला भी है. तो हमारे धर्म में कोई एक रिलीजन नहीं है भाई, बहुत सारे रिलीजन हैं अलग अलग तरीके के. तो डेफिनेटली उसके बाद भी बहुत सारे दंगे हो चुके हैं, ठीक है. अब बात करते हैं हमारे देश के संविधान की. ये तो बात हुई, ऊपर ऊपर से हमने पॉलिटिक्स की बात की, अब जरा संविधान पे आते हैं कि हमारी रूल बुक में क्या लिखा है. हमारी रूल बुक में लिखा है, एटलीस्ट हमारी रूल बुक में तो लिखा है कि इंडिया क्या है, धर्म निरपेक्ष स्टेट है. धर्म निरपेक्ष का मतलब हम सेकुलर स्टेट हैं. सेकुलर स्टेट का मतलब हम किसी धर्म में भेदभाव नहीं करते. आपको पता है इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, हमारे देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ना हिंदुज़म, ना इस्लाम, ना क्रिश्चियनिटी, ना बुद्धिज़्म, कोई नहीं. जैसे श्रीलंका में बुद्धिज़्म है, पाकिस्तान में इस्लाम है, इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी है, वैसे हमारे देश में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. क्यों? क्योंकि हम सारे रिलीजन को इक्वल स्टेटस देना चाहते हैं. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये अधिकार मिला हुआ है, ये फंडामेंटल राइट दिया हुआ है कि हम जो धर्म चाहें वो प्रैक्टिस कर सकते हैं. जरूरी नहीं है आप जिस धर्म में पैदा हुए हो आप वही प्रैक्टिस करो. आपको कोई और धर्म समझ आता है तो आप कोई भी धर्म प्रैक्टिस कर सकते हो. कोई भी धर्म नहीं समझ आ रहा है तो एथीस्ट भी रह सकते हो, यानी कि बिना प्रैक्टिस किए भी रह सकते हो, ठीक है. सो आप कोई भी धर्म प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी धर्म प्रोफेस यानी कि लोगों को उसके बारे में बता सकते हो, प्रोपगेट कर सकते हो, है ना, कोई भी धर्म को फॉलो कर सकते हो, आपको खुली आज़ादी है. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिब्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन. आप पब्लिक सर्विसेज में जाओ, अगर आपको कोई सरकारी जॉब चाहिए, प्राइवेट जॉब चाहिए, या कहीं पे भी कोई भी अपॉर्चुनिटी है ऐसी सोसाइटी में जहां पे आपको धर्म के नाम पे आपको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही, किसी स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा, किसी कॉलेज में दाखिला नहीं मिल रहा, तो ये सब क्या है, हमारे देश में इलीगल है. तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि धर्म के नाम पे हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन इलीगल है. द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इंटरवीन. वैसे तो हमारे देश की गवर्नमेंट को ये अधिकार नहीं है कि धर्म के बीच में टांग अड़ाए, किसी भी धर्म के बीच में, लेकिन जब धर्म लोगों के फंडामेंटल राइट्स पे आंच लेके आता है तब सरकार को आज़ादी है धर्म के बीच में टांग अड़ाने की. फॉर एग्जाम्पल अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी क्या है? छुआछूत का भेदभाव. ऐसा नहीं है कि छुआछूत का भेदभाव अब भारत में देखने को नहीं मिलता, अभी भी न्यूज़पेपर भरे रहते हैं छुआछूत के इंसिडेंट से, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा होता था. तो अनटचेबिलिटी को हमने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया, इलीगल बनाया. जो आर्टिकल 17 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या बोलता है, अनटचेबिलिटी इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया. मतलब कि इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस. अगर कोई छुआछूत का भेदभाव करेगा तो वो क्रिमिनल ऑफेंस है, राइट. लेकिन वो हमने क्यों किया, अनटचेबिलिटी हमने क्यों इलीगल करार दिया है, तो वो हिंदू धर्म का पार्ट था. हिंदू धर्म में जो कास्ट सिस्टम होता है उसमें अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती थी, लेकिन वो लोगों के फंडामेंटल अधिकारों के खिलाफ था, लोगों की इक्वालिटी वाले फंडामेंटल राइट के खिलाफ था, इसलिए हमने तब वहाँ पर इंटरवीन किया. तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ फंडामेंटल राइट पे बात आती है, वहाँ पे सरकार को आज़ादी है कि वो धर्म के बीच में भी अपनी बातें रख सकते हैं, ठीक है. सो आपने देखा इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट. अब बात करें इंडिया सेकुलर क्यों है, तो आपको समझ आता है कि अगर इंडिया सेकुलर नहीं होगा तो इंडिया क्या हो जाएगा, कॉम्युनल हो जाएगा. देश में कॉम्युनल प्रोपेगेंडा दिन दहाड़े बढ़ता रहेगा, है ना. रिलीजियस लेवल पे लोग मोबिलाइज करेंगे और मोबिलाइज करने के चक्कर में दो कम्युनिटीज़ को लड़ाएंगे और अपना फ़ायदा देखेंगे, है ना. और इससे सिर्फ एक इंसान या एक रिलीजन या एक समुदाय को थ्रेट नहीं है, इंडिया की डेमोक्रेसी ही नष्ट हो जाएगी अगर देश की पॉलिटिक्स कॉम्युनल हो गई तो. इसीलिए कॉम्युनलिज्म को उखाड़ फेंकना ही हमारे देश की डेमोक्रेसी की भलाई में है. अ सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन लाइक आज, जहां पे भी आपको अलग अलग धर्म देखने को मिलते हैं एक देश में, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे देश की तरह अपने आप को सेकुलर बनाना चाहिए और सारे धर्मों में डिस्क्रिमिनेशन करना बंद करना चाहिए. अदरवाइज देश की डेमोक्रेसी में कॉम्युनलिज्म का कीड़ा लग जाएगा और फिर डेमोक्रेसी अंदर से खोखली हो जाएगी, ठीक है जी. तो ये था आपका रिलीजन वाला टॉपिक. आप यहां पे एक
पिक्चर देख सकते हैं जहाँ पे सीएम साहब की गद्दी दिखाई है, और सीएम साहब की गद्दी में आप देख रहे हो कि अलग अलग धर्म के चुनाव चिन्ह देखने को मिल रहे हैं। क्यों? तो ये दिखाया गया है कि द चेयर इज फॉर द सीएम डेजिग्नेट टू प्रूव हिज सेकुलर क्रेडेंशियल, कि जब कोई एक लीडर बनता है या बनती है तो उन्हें प्रूफ भी करना पड़ता है उनके, बेशक अपने विचार जो भी हो, अपने विचारों में वो बेशक कॉम्यूनल क्यों ना हो, लेकिन जब आप देश के लीडर बनते हो तो आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ता है कि आप कॉम्यूनल नहीं हो, आप सारे धर्मों का ख्याल रखोगे। नहीं करोगे तो क्या होगा, पर्टिकुलर धर्म वाले लोग आपको वोट ही नहीं देंगे, तो आपको सारे धर्मों को खुश रखना पड़ता है। तो वही यहाँ पे दिखाया है, ऊपर से गांधी जी स्माइल कर रहे हैं। ये सीएम साहब की कुर्सी है जहाँ पे अलग अलग धर्मों से बनी हुई कुर्सी है, यानी कि सारे धर्मों को साथ लेके चलना पड़ता है डेमोक्रेसी के अंदर। चलिए दूसरा टॉपिक है कास्ट एंड पॉलिटिक्स। क्या है टॉपिक? कास्ट एंड पॉलिटिक्स। कास्ट एंड पॉलिटिक्स। कास्ट एंड पॉलिटिक्स में हम दो तरीके से पढ़ाई करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स, फिर हम पढ़ते, नहीं पहले हम पढ़ते हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट। एक सेकेंड, अलग अलग है, मैं खुद भूल जाती हूँ। हाँ, पहले हम पढ़ते हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स और फिर हम पढ़ते हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट। यानी कि एक तरीके से सोचो, बड़ा सा दाल का डब्बा है आपके पास और बड़ा सा चावल का डब्बा है। पहले आप पढ़ रहे हो कि बड़े से दाल के डब्बे में अगर थोड़ा सा चावल डालेंगे तो क्या होगा, फिर आप बिल्कुल उल्टा पढ़ रहे हो कि बहुत सारे चावल में अगर थोड़ी दाल डालेंगे तो क्या होगा। ऐसे से इमेजिन करो, दोनों सेम नहीं है, ठीक है? दोनों आपने इमेजिन कर ही लिया होगा अब, है ना, दाल में दो तीन चावल के दाने तैर रहे हैं, इज नॉट सिमिलर टू चावल में थोड़ी जगह दाल पड़ी हुई है ना, दोनों सेम नहीं है। तो पहले हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिक्स में जब कास्ट आती है तो उसका क्या असर देखने को मिलता है। तो देखो, जेंडर जब हमने पढ़ा, जेंडर एक ऐसी चीज है जो यूनिवर्सल है। जेंडर बेस पे डिस्क्रिमिनेशन पूरी दुनिया में होता है। रिलीजन के बेस में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो पूरी दुनिया में तो नहीं है लेकिन कई कंट्रीज में होता है, लेकिन कास्ट के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो स्पेशली इंडिया में देखने को मिलता है। कास्ट डिविजन जो है सिर्फ इंडिया में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि बाकी दुनिया की जो सोसाइटीज हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका है, यूरोप है, ऐसा नहीं है कि वहां पे किसी और तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। वहां रंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, काले और गोरे के बीच में भेदभाव होता है, रेसिज्म होता है, लेकिन हमारे देश में क्या होता है, कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। ऑल सोसाइटीज हैव सम काइंड ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड सम फॉर्म ऑफ डिविजन ऑफ लेबर। हर सोसाइटी में ये देखा गया है कि कोई ना कोई सोशल इनइक्वालिटी रहती है, चाहे काले गोरे का भेदभाव हो, चाहे कास्ट में भेदभाव हो, चाहे लड़का लड़की का भेदभाव हो, और कोई डिविजन ऑफ लेबर रहता है। लेकिन ये जो कास्ट सिस्टम है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा है, जेंडर, रिलीजन और कास्ट में कौन सा ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है जो सिर्फ इंडिया में देखने को मिलता है। सो वो आप समझ लीजिए इंडिया में। और ये जो कास्ट सिस्टम है ये एक एक्सट्रीम फॉर्म है, एक्सट्रीम फॉर्म है सोशल इनइक्वालिटीज की। अच्छा, ये कास्ट सिस्टम इंडिया में शुरू कैसे हुआ और ये कास्ट सिस्टम बाकी की सोसाइटी से डिफरेंट कैसे, उसके बारे में समझते हैं। देखो, इंडिया में ये शुरू हुआ बहुत पहले, बहुत पहले ऐसा शुरू हुआ हिंदू धर्म में कि ब्रह्मा जी के चार अंग थे, चार डिफरेंट डिफरेंट अंगों से चार डिफरेंट कास्ट ग्रुप निकले। मस्तिष्क से निकले ब्राह्मिन्स, और शोल्डर से निकले क्षत्रिय, और जांघों से निकले वैश्य, और टांगों से निकले शूद्र। और ये पूरी की पूरी जो कहानी थी, इसे यूटिलाइज किया गया कास्ट के बेस पे इनइक्वालिटी क्रिएट करने के लिए, और कास्ट के बेस पे अनटचेबिलिटी, छुआछूत का भेदभाव क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई, चार तरीके के आप कास्ट बना रहे हो, मैं चार तरीके के कैटेगरीज बना दूं, भाई ये बच्चे वो हैं जिन्हें मैथ पसंद है, ये बच्चे वो हैं जिन्हें साइंस पसंद है, ये बच्चे वो हैं जिन्हें एसएसटी पसंद है, ये बच्चे वो हैं जिन्हें इंग्लिश पसंद है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों को कैटेगराइज किया है मैंने, है ना। तो जिनको मैथ पसंद है वो ज्यादा मैथ पढ़ रहे हैं, जिन्हें एसएसटी पसंद है वो ज्यादा एसएसटी पढ़ रहे हैं, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मैं बोलूँ जो बच्चे मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ वाले हैं वो ज्यादा बेहतर है, एसएसटी वाले बेहतर नहीं है। अब यहाँ प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे आपने हायरार्की क्रिएट कर दी, एक अच्छा है एक बुरा है, राइट। सो कास्ट सिस्टम में क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट ग्रुप बनाए गए, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट ग्रुप को अपने अपने काम सौंपे गए कि भाई आप इस कास्ट ग्रुप के हैं तो आपका काम ये है, इस कास्ट ग्रुप के हैं तो आपका काम ये है। अब तक भी ठीक था, प्रॉब्लम ये आई कि आपने उसे इतना इनफ्लेक्सिबल बना दिया, कास्ट की हायरार्की को इतना इनफ्लेक्सिबल बना दिया कि इंसान अपनी कास्ट से दूसरी कास्ट में जा ही नहीं पा रहा। भाई मैं मैथ पसंद वाली बच्ची हूँ, लेकिन अगर मुझे कल को ड्राइंग पसंद आ गई तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ना ड्राइंग वाले ग्रुप में जाने के लिए। नहीं, कास्ट की इनइक्वालिटी क्या बना दी, क्लोज्ड बना दी, क्लोज्ड कंपार्टमेंट्स बना दिए, और इसमें अच्छा और बुरा का तड़का लगा दिया कि भाई ये पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप है जो ये वाला काम करते हैं ये ऊंची जात के हैं, और ये वाले जो कास्ट ग्रुप है ये नीची जात के, ऊंचे और नीचे का भेदभाव डाल दिया। सो कास्ट सिस्टम इज अ हेरिडिटरी, हेरिडिटरी मतलब पैदाइशी रूप पे
ऑक्यूपेशनल डिवीजन है जो पुरानी सदियों से रिचुअल से लोग सैंक्शन करते आए हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कास्ट सिस्टम के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो सही है। जस्ट बिकॉज कि कोई चीज़ पुरानी है और बहुत सालों से होती आ रही है डज नॉट मीन कि वो सही है। मेंबर्स ऑफ द सेम कास्ट ग्रुप वर सपोज टू फॉर्म अ सोशल कम्युनिटी। पहले क्या होता था कि एक कास्ट के लोगों को एक कम्युनिटी की तरह माना जाता था, अभी भी है। लोग बोलते हैं हम इस कास्ट को बिलोंग करते हैं, उस कास्ट को बिलोंग करते हैं, तो एक कास्ट अपने आप को एक ग्रुप की तरह देखता है। और कास्ट सिस्टम में क्या होता है, कास्ट सिस्टम में ऊंच नीच का भेदभाव हो जाता है। पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप को हम ऊंचा बोल देते हैं, अपर कास्ट, पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप को हम लोअर कास्ट बोल देते हैं। जब हम लोअर कास्ट बोल देते हैं तो उन्हें हम आउटकास्ट कर देते हैं। आउटकास्ट कर देते हैं मतलब कि तुम हमारे साथ बैठने के लिए भी लायक नहीं हो, क्योंकि हम तो ऊंची जात के हैं, तुम नीची जात के हो। और यहीं से शुरू होता है छुआछूत का भेदभाव। छुआछूत का भेदभाव इस कदर छुआछूत का भेदभाव होता था कि जो अपर कास्ट के जो मंदिर होते थे या अपर कास्ट के जो कुएं होते थे, उन्हें भी अगर कोई लोअर कास्ट का इंसान अगर छू भी देता था तो उसे मार डाला जाता था। और आज भी इंडिया के गांवों में ऐसी खबरें सुनने को आती हैं कि कुछ पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप के साथ अभी भी लिंचिंग होती है। लिंचिंग का मतलब मॉब लिंचिंग, यानी कि लोग क्राउड के लेवल पे भगा भगा के उनकी जान लेते हैं, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, मोलेस्ट करते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो किसी पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप को बिलोंग करते हैं, राइट? तो कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी इलीगल है, फिर भी अभी भी प्रैक्टिस होती है। फिर जब हमारा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो कुछ लोग ऐसे थे, कुछ हमारे देश के लीडर्स ऐसे थे जो आज़ादी के साथ साथ कास्ट की फाइट को भी लड़ रहे थे, जैसे कि गांधी जी, जैसे कि भीमराव अंबेडकर जी, जैसे कि ज्योतिबा फूले जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी। ये सारे फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर्स हैं, लेकिन ये फ्रीडम के साथ साथ देश को कास्ट सिस्टम से भी फ्री कराने की लड़ाई लड़ रहे थे। ये एक ऐसी सोसाइटी, ऐसा भारत देखना चाहते थे जिसमें कास्ट के नाम पे इनइक्वालिटी बिल्कुल भी ना हो, ठीक है? तो कुछ इन लोगों ने एफर्ट किया, कुछ हमारी सोसाइटी धीरे धीरे आगे अग्रसर हुई, है ना? कुछ धीरे धीरे हमारे देश में गरीबी कम हुई, कुछ धीरे धीरे हमारे देश में अर्बनाइजेशन आया। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है? शहरीकरण। शहरीकरण मतलब गाँव में कास्ट सिस्टम और ज़्यादा फॉलो होता था। जब लोग शहर में आके रहने लगे तो भाई किसकी क्या कास्ट है, लोग इस पे ध्यान देना कम कर दिया, ठीक है? जब पॉपुलेशन रूरल एरिया से शहरों में आती है या कोई एरिया शहर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे अर्बनाइजेशन कहते हैं। तो अर्बनाइजेशन की बदौलत, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी की बदौलत अब लोग पढ़ लिख लेते हैं। अब तो कोई ऐसा नहीं है ना कि पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप का है तो वो पर्टिकुलर काम ही करेगा। आपने जो पढ़ाई की आप वो काम करते हो। टीचर कोई भी कास्ट ग्रुप का इंसान बन सकता है, इंजीनियर कोई भी कास्ट ग्रुप का इंसान बन सकता है, यूट्यूब पे चैनल कोई भी कास्ट ग्रुप का इंसान खोल सकता है ना? तो जैसे जैसे ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी हुई, मतलब डिफरेंट कास्ट के लोग डिफरेंट 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 काम करने लगे, तो फिर वैसे वैसे धीरे धीरे चेंज भी आया सोसाइटी में। और पुराने जो ट्रेडिशन है, जो गाँव में गलियों में कूचों में जो पुराने नोशन अनटचेबिलिटी के पुराने पुरानी बातें चलती थी, वो धीरे 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 टूट टने लग गई। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि खत्म हो गई, याद रखना ये बात। उसका मतलब ये नहीं है कि मैम कास्ट तो पहले हुआ करता था ना, तो रिजर्वेशन अभी क्यों दिया जाता है। नहीं, वो बात गलत है। कास्ट अभी भी है, जब वो 100% खत्म हो जाए तब हम बोलने पे एक तरीके से कहीं बोल पाएंगे कि यार रिजर्वेशन क्यों देते हैं। जब अभी 100% खत्म नहीं होता है तो हम में से किसी को अधिकार नहीं है ये बोलने का कि फिर हम इक्वालिटी के नाम पे रिजर्वेशन क्यों देते हैं। ये मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगी, एनसीईआरटी भी यही बोलती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द पॉलिसीज टू रिवर्स द इनजस्टिसेस ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो इतने सालों से जो पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप के ऊपर शोषण होता हुआ आया था, लोअर कास्ट के ऊपर, उसे रिवर्स करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया गया, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को इलीगल भी करार दिया गया, उसके लिए जुर्माना भी रखा गया, ठीक है? सो आपको समझ आया कि कास्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कास्ट ग्रुप को बिलोंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कास्ट सिस्टम में प्रॉब्लम है, क्योंकि कास्ट सिस्टम में हम ऊंच नीच का भेदभाव रखते हैं। और क्या अब कंटेम्प्रेरी इंडिया यानी कि मॉडर्न इंडिया में कास्ट सिस्टम खत्म हो गया है? नहीं, आज भी हमें कास्ट के कुछ चीजें अपने आसपास देखने को मिल जाती है। भाई जब लोग शादी करने जाते हैं अपने बच्चों की, तो आज भी सेम कास्ट में, सेम ट्राइब में करना चाहते हैं। जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो सेम ट्राइब में करना चाहती हैं, जो कास्ट ग्रुप है वो सेम कास्ट में करना चाहते हैं। अभी भी अनटचेबिलिटी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कितनी अनटचेबिलिटी से रिलेटेड खबरें आती रहती हैं, है ना? और जो इतनी सदियों का जो डिसएडवांटेज है वो एक दिन में तो चला नहीं जाएगा। हमारे देश को आज़ाद हुए 60-70 साल ही तो हुए हैं, लेकिन ये कास्ट सिस्टम ने अपना शोषण कितने सालों तक किया है? हजारों सालों तक शोषण हुआ है कास्ट के नाम पे, है ना? तो वो हजारों सालों का शोषण कुछ 50-60 सालों में तो चला नहीं जाएगा, राइट? इसीलिए अभी भी आप देखते हो, और ये एनसीईआरटी कह रही है, ये डेटा कह रहा है देश का, कि अभी भी आप जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन देखते हो ना इंडिया में, मिडिल क्लास, अर्बन मिडिल क्लास, शहरों में रहने वाली जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में लोग जो हैं
बहुत ही अधिक डिस्प्रोपोर्शनेटली, का मतलब आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, सबसे ज्यादा मात्रा में जो लोग हैं वो अपर कास्ट को बिलोंग करते हैं। क्यों भाई? पहले से अपर कास्ट को कुछ कुछ राइट्स मिलते हुए आए हैं, अपर कास्ट लोगों को कुछ पर्क्स मिलते हुए आए हैं, वो उन्हें एंजॉय करते थे, तो उनके उनके पिताजी उनके पिताजी उनके पिताजी भी पढ़े लिखे थे, तो उनकी फैमिली में एजुकेशन भी आगे गई है, उनकी फैमिली में पैसा भी आया है। और जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनकी फैमिलीज को पहले पढ़ने का ही नहीं मौका दिया जाता था, तो उनके दादाजी जो हैं गरीब हुआ करते थे या भीख मांगा करते थे, तो वो फैमिली धीरे 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 ना आगे जाएंगी, एकदम से तो आगे नहीं जाएंगी कि आपने रिजर्वेशन दे दिया लो जी आगे चले गए, राइट? सो ऑब्वियसली, और रिजर्वेशन के बारे में पता भी सबको नहीं है। पॉइंट ये है कि रिजर्वेशन के बारे में पता भी सबको नहीं है। गली कूचों में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, बहुत इंडिया के दूर से दूर गाँव में, उनको पता भी नहीं है कि उनके क्या अधिकार हैं, राइट? सो डेटा ये कहता है कि अपर मिडिल क्लास में डिस्प्रोपोर्शनेटली सबसे ज्यादा लोग हायर कास्ट पाए जाते हैं, और जो गरीब लोग हैं उसमें कई बड़ा तमगा जो है, बड़ा ग्रुप जो है गरीब लोगों में हमारे देश में, वो लोअर कास्ट से बिलोंग करता है। तो यानी कि सदियों की जो इनइक्वालिटी है वो आज भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में के आगे रोड़ा बनी हुई है, ठीक है? तो ये तो कौन सा टॉपिक हुआ बच्चा? ये टॉपिक हुआ पॉलिटिक्स, कास्ट एंड पॉलिटिक्स का इंट्रोडक्शन। अब करते हैं कास्ट एंड पॉलिटिक्स, ठीक है? एज इन द केस ऑफ कम्युनलिज्म, जैसे कम्युनलिज्म के केस में हमने देखा था कि जब आप सोसाइटी का आधार धर्म को मानते हो तो उसे कम्युनलिज्म कहते हैं, वैसे ही जब आप सोसाइटी का आधार कास्ट को मानते हो तो उसे कास्टिज्म कहते हैं। क्या कास्टिज्म अच्छी चीज़ है? नहीं। क्या कम्युनलिज्म अच्छी चीज़ है? बिल्कुल भी नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस वे ऑफ थिंकिंग, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम कास्ट, जब आप एक कास्टिस्ट इंसान बोलते हैं ना, ये इंसान तो कास्टिस्ट है या ये इंसान तो कास्टिज्म करता है, जब आप एक कास्टिस्ट इंसान से डील कर रहे होते हो तो उनका मानना ये होता है कि एक नेचुरल सोसाइटी में सेम कास्ट के लोगों को सेम कास्ट के साथ ही उठना बैठना चाहिए, सेम कास्ट के लोगों के सेम इंटरेस्ट होते हैं, उन्हें बाकी कास्ट के लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, उन्हें बाकी कास्ट के लोगों के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, और इसी को कास्टिज्म बोल सकते हो आप। व्हेन पार्टीज चूज कैंडिडेट, अच्छा पॉलिटिकल पार्टीज कैसे इस कास्ट को यूटिलाइज करती हैं, उसके चार तरीके। पहला तरीका है, जब पार्टीज इलेक्शन से पहले अपने कैंडिडेट चूज कर रही होती है ना, तो वो देखती हैं कि जिस एरिया में वो इलेक्शन लड़ रही होती हैं उसमें कौन सा कास्ट ग्रुप ज़्यादा है। मान लो अगर मैं एक नई टीचर हूँ स्कूल में, और मुझे बच्चों में अपनी रैपो बिल्ड करनी है, और मुझे पता है कि भाई मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 में से जो 40 बच्चे हैं ना उनको मैथमेटिक्स ज़्यादा पसंद है, बाकी सब्जेक्ट्स कम पसंद है, तो मैं क्या करूँगी, मैथ्स के पीरियड ज्यादा लगाऊंगी, है ना, एज अ क्लास टीचर मैं मैथ्स के पीरियड ज्यादा लगाऊंगी ताकि बच्चों में मेरी रैपो अच्छी बने, राइट? कॉमन सेंस की बात है। सिमिलरली अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी हूं और मुझे किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लड़ाई लड़नी है, पॉलिटिकल इलेक्शन लड़ने हैं, तो फिर मैं क्या करूंगी, वहां का कास्ट का डेमोग्राफिक देखूंगी कि कौन सी कास्ट वहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो जितनी ज्यादा मात्रा में कोई कास्ट पाई जाएगी उतने ज्यादा वोटर होंगे उस कास्ट के, तो फिर मैं अपना कैंडिडेट उसी कास्ट से खड़ा करूंगी, राइट? सो व्हेन पार्टीज चूज कैंडिडेट इन इलेक्शन, दे कीप इन माइंड द कास्ट कॉम्पोजिशन ऑफ द इलेक्टोरेट एंड नॉमिनेट कैंडिडेट फ्रॉम डिफरेंट कास्ट सो एज टू मस्टर नेसेसरी सपोर्ट टू विन इलेक्शन। और पार्टीज इतनी चलाक होती है, मान लो कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे 2-3 कास्ट में टाई हो रहा है ना, मान लो 50 बच्चों में 20 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ड्रॉइंग पसंद है, 20 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मैथ पसंद है, 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश पसंद है, अब मैं क्या करूंगी, अपनी पार्टी से 2 कैंडिडेट खड़े कर दूंगी, एक जो मैथ पढ़ाएंगे एक जो ड्रॉइंग पढ़ाएंगे, ठीक है? तो मेरे जीतने के चांसेस तो है ना, मेरे जीतने के चांसेस तो हैं, क्योंकि 10 ही बच्चे हैं जिन्हें इन दोनों में से कुछ भी नहीं पढ़ना, राइट? तो मैंने दिमाग लगाया, पॉलिटिकल पार्टीज दिमाग लगाती हैं, एक कैंडिडेट की जगह 2-3 कैंडिडेट अपने यहाँ से खड़ा करती हैं, या अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उस तरीके से करती हैं कि भाई हमारी पार्टी से अलग 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 कास्ट ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन मिला है तो हम कास्टिस्ट नहीं है, ये प्रूफ करने के लिए करती हैं। असल में क्या चाहिए होता है, उनको वोट चाहिए होते हैं। व्हेन गवर्नमेंट्स आर फॉर्म, पॉलिटिकल पार्टीज यूजुअली टेक केयर दैट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड ट्राइब्स फाइंड अ प्लेस इन इट। और जब सरकार बन जाती है, जैसे अभी भी आप एनडीए की सरकार देख रहे हो, या कभी भी यूपीए की भी सरकार, कांग्रेस की भी सरकार बनती थी तब भी सेम ही था, जब भी कोई गवर्नमेंट सरकार बनाती है, जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाती है, तो वो क्या करती है कि इंपॉर्टेंट पोजीशंस में सिर्फ पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप को नहीं देती है कि हाँ भाई ये कास्ट ग्रुप नंबर एक्स है, मैंने सारी की सारी, क्योंकि ये मेरी कास्ट थी तो मैंने अपनी कास्ट वालों को सारी इंपॉर्टेंट पोजीशन दे दी, फिर तो पूरे देश को पता लग जाएगा कि आप कास्टिस्ट हैं, आप चाहते ही नहीं कि किसी को पता चले आप कास्टिस्ट हैं, तो आप क्या करते हैं, चोरी छुपे कुछ 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 पोजीशन होती है जो बाकी सारी कास्ट को देते हैं ना, तो जब गवर्नमेंट भी बन जाती है तो बड़ी चलाकी से जो लीडर्स हैं वो उनका कास्ट देख के बनाए जाते हैं, ताकि कोई ये ना बोले कि फलाना जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कास्टिस्ट है।
थर्ड पॉइंट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शन मेक अपील्स टू कास्ट सेंटीमेंट टू मस्टर सपोर्ट, बिल्कुल खिलाफ है। पहली बात तो इलेक्शन कमीशन इसकी मनाही देता है, कास्ट के नाम पे आप वोट नहीं मांग सकते, फिर भी क्या लीडर चुप होते? नहीं, हर इलेक्शन कैंपेनिंग में कोई ना कोई लीडर आपको ऐसा दिख जाएगा या दिख जाएगी जो कास्ट के नाम पे एकदम खुले में वोट मांगते हैं कि हम तो आपकी कास्ट के हैं, हमें जिता दो तो हमारी कास्ट का भला हो जाएगा, मैं हमारी कास्ट का बहुत भला कर दूंगा। ठीक है, तो कास्ट के नाम पे वोट बटोरे जाते हैं। सम पॉलिटिकल पार्टीज आर नोन टू फेवर सम कास्ट, और कुछ तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप को आउटराइट वो करती हैं, क्या करती हैं, आउटराइट बिल्कुल खुलेआम क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपर कास्ट को सपोर्ट करती हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो लोअर कास्ट को सपोर्ट करती हैं। तो आपने अपने वोट बैंक बना रखे हैं ना, जो लोअर कास्ट को सपोर्ट करती हैं उन्हें पता है कि ये लोअर कास्ट के जितने लोग हैं वो उन्हें ही वोट देंगे, जो अपर कास्ट को सपोर्ट करती हैं वो क्यों करती हैं सपोर्ट, क्यों, क्योंकि वो उनकी कास्ट नहीं, क्यों, क्योंकि वो जानती हैं कि अपर कास्ट को सपोर्ट करेंगे तो अपर कास्ट की मात्रा जो है कंट्री में ज़्यादा है, तो अपर कास्ट के लोगों के वोट अगर हमारे पास आ जाएंगे तो बस हमारे वारे नारे हो जाएंगे, राइट। सो दैट हैपेंस। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, अब क्या है कि हमारा देश हमें कहता है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, उसका मतलब ये है कि किसी कास्ट के नाम पे हमने डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिया हुआ है, सबको पॉलिटिकल अधिकार है ना, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू है हमारे देश में। हम 18 साल से ऊपर जितने भी सिटीजन हैं इंडिया के, इररिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, इररिगार्डलेस इज नॉट अ वर्ड, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट हम उन्हें देते हैं वोटिंग का हक। इट ऑल्सो ब्रॉट न्यू कॉन्स्टिट्यूएंसीज कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल ऑफ कास्ट दैट वर देयर टू ट्रीटेड एज इन्फीरियर इन लॉ। और यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज से हमारे देश में एक फायदा ये हुआ है कि जिन कास्ट ग्रुप को इतनी सदियों से शोषण मिल रहा था ना, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के साथ उन्हें तुरंत चुटकी बजाते ही इक्वालिटी, हमने पॉलिटिकल इक्वालिटी प्रदान कर दी। सोचो जिन लोअर कास्ट लोगों को लोग अपने घर का कुआं तक छूने नहीं देते थे, उन्हें हमने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दे दी। उसके आगे जो उनके लिए किया वो अलग है, लेकिन वहां से हमने पॉलिटिकल इक्वालिटी शुरू कर दी। The focus on caste in politics can sometimes give an impression that elections are all about caste. कभी कभी हाँ, जब हम अपने देश के इलेक्शन देखते हैं तो हमें ज़रूर लगता है कि यार क्या है ये पॉलिटिशियन, सिर्फ कास्ट 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 करते रहते हैं, कास्ट के अलावा पॉलिटिक्स में कुछ है ही नहीं, कास्ट के अलावा लोगों के पास कुछ बात करने के लिए ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसी कोई भी देश में कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, मतलब ऐसी कोई भी जगह नहीं है देश में जहाँ इलेक्शन सिर्फ सिंगल कास्ट से वोट मांगने की वजह से आप जीत जाओ, कभी भी ऐसा नहीं होता, चाहे जितना मर्जी कर लो, लेकिन एक पर्टिकुलर कास्ट से वोट मांगने से आप जीत जाओ ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हर कास्ट के अंदर सारे लोग आपको वोट दे दें ऐसा ज़रूरी नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं। मैं अभी ये लेक्चर भी पढ़ाऊंगी ना, और आपसे बोलूंगी कि जो जो मेरे से पढ़ रहे हैं अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स में बताना, तो भी जितने बच्चे ये लेक्चर देखेंगे उसमें से शायद 5% नीचे कमेंट्स में बताएंगे, और उसमें से शायद 1-2% हो जो बोले हमें लेक्चर अच्छा भी नहीं लगा, राइट। सो ये तो मैं एक छोटी सिचुएशन बता रही हूँ, तो एक कास्ट के सारे लोग आपको वोट दे दे कास्ट के नाम पे ऐसा कभी नहीं होता। सो एवरी कैंडिडेट एंड पार्टी नीड्स टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन वन कास्ट। इसीलिए जब एक पॉलिटिकल पार्टी फोकस करती है इलेक्शन पे तो सिर्फ एक कास्ट को लेके नहीं चलती, वो क्या करती है, एक कास्ट ऊपर वाली और एक कास्ट नीचे वाली और मेन कास्ट, 2-3 कास्ट को साथ में लेके चलती है, ताकि यू नो प्रोबेबिलिटी का गेम है, जितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी आपके वोट्स आने की उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे जीतने के। तो अगर आप अपनी पूरा पूरा फोकस सिर्फ मैथ्स पे लगाओगे तो बाकी सब्जेक्ट्स में फेल हो जाओगे, बाकी सब्जेक्ट्स भी तो पढ़ने पड़ेंगे ना। सो पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत सारी कास्ट पे एक साथ फोकस करती है, सिर्फ एक पे नहीं करती है। नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी। और फिर ये भी तो सोचो, एक कास्ट के अंदर अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। मान लो कोई भी कास्ट उठा लो, मान लो कास्ट है ABC, कास्ट का नाम है ABC, ABC कास्ट के अंदर कुछ लोग होंगे जो गरीब होंगे, कुछ लोग होंगे जो गरीब होंगे जिन्हें जिन्हें हेल्थ केयर का एक्सेस नहीं है, कुछ लोग हैं जो गरीब हैं हेल्थ केयर का भी एक्सेस नहीं है, एजुकेशन का भी एक्सेस नहीं है, कुछ लोग हैं जो इतने अमीर हैं कि उनको कोई मतलब ही नहीं है कास्ट से, उनको कोई मतलब ही नहीं है इलेक्शन से। तो एक कास्ट ABC के अंदर ही कितने कितने अलग अलग तरीके से कास्ट आ गए। उस ABC कास्ट के अंदर कुछ ट्रांसजेंडर्स होंगे जिन्हें अपने यू नो जेंडर राइट्स सिक्योर करने। सो देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब ग्रुप्स इनसाइड कास्ट, और आप सबसे एक नाम पे तो वोट नहीं मांग सकते कि भाई हम सेम कास्ट के हमें वोट दे दो, सबकी ज़रूरतें अलग है। लोग तुम्हें वोट क्यों देंगे? ताकि उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, तुम जब देश चलाओ तो उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखो, तो जब तक उनकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही तब तक वो वोट नहीं देंगे। मैनी पॉलिटिकल पार्टीज में पुट ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम द सेम कास्ट। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं कि सेम कास्ट से भी कैंडिडेट रखती हैं। अगर एक पर्टिकुलर जगह पर इलेक्शन है और वहाँ पर मान लो ABC कास्ट जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो
पॉलिटिकल पार्टी ए भी उसी कास्ट के कैंडिडेट को खड़ा कर देगी, दूसरी भी उसी के खड़ा कर देगी, तीसरी भी उसको खड़ा कर देगी, और फिर जो है पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन एकदम घमासान हो जाता है। ऐसा सोचो कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर तीनों का मैच रखा हुआ है, तो तीनों ही अच्छे प्लेयर्स हैं, राइट? क्यों? क्योंकि हम जान रहे हैं तीनों ही अच्छे प्लेयर है, तो मैच बहुत ही टफ होगा। तो ऐसा सोचो कि जब एक पता चल जाता है, जब ये स्टडी करके पॉलिटिकल पार्टीज को पता चल जाता है कि इस जगह पे ये कास्ट ग्रुप ज्यादा है, तो उस सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसी के कैंडिडेट बनाती रहती है। फिर कुछ वोटर इसको वोट दे देते हैं, उसको वोट देते हैं, उसको वोट दे देते हैं, है ना? अब विराट कोहली ऐसा नहीं है कि जिसे विराट कोहली पसंद है उसे सचिन तेंदुलकर नहीं पसंद होगा, लेकिन हो सकता है कि उसे विराट कोहली थोड़ा ज्यादा पसंद है, या हो सकता है उसे ये तीनों ही नहीं पसंद, महेंद्र सिंह धोनी पसंद है, राइट? तो जब आप सेम कास्ट के कैंडिडेट देखते हो, तो वोट बैंक, कास्ट वाला वोट बैंक कट जाता है, लोग जो है अपने अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट करते हैं। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है, कि कास्ट इतना बड़ा मुद्दा होने के बावजूद भी लोग ये नहीं देखते कि कैंडिडेट हमारी कास्ट का है कि नहीं। हाँ, मतलब कुछ लोग देखते भी हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये देखते हैं कि इस कैंडिडेट ने पहले क्या काम किया था, ये कैंडिडेट पहले क्या काम करके गया है और आगे क्या काम करेगी, ठीक है? तो ये सब मैटर करता है। द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग एमपी एंड एमएलए फ्रीक्वेंटली लूज इलेक्शन इन आर कंट्री, दैट कुड नॉट हैव हैपेंड इफ ऑल द कास्ट एंड कम्युनिटीज वर फ्रोजन इन देयर पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस। जो ऑलरेडी गद्दी पे बैठे हुए एमपी और एमएलए होते हैं, मान लो किसी ने कास्ट के नाम पे इलेक्शन जीत भी लिया, तो ऑलरेडी बैठे हुए एमपी और एमएलए बाद में इलेक्शन हार क्यों जाते हैं? जब आपकी कास्ट ने आपको सपोर्ट करके कास्ट के नाम पे आपको गद्दी पे बिठाया था, तो बाद में हरवा क्यों दिया? क्योंकि आपने काम नहीं किया था, क्योंकि आपने जनता के लिए काम नहीं किया था, कास्ट आपकी कुछ भी रही हो। तो कहने का मतलब है कि कास्ट, सिर्फ कास्ट मैटर नहीं करती। तो अगर मैं इसे समराइज करूं, पूरे टॉपिक को समराइज करूं, तो पहली बात तो यह है कि किस तरीके से पॉलिटिक्स कास्ट को यूज करती है। पॉइंट नंबर वन, कैंडिडेट के सिलेक्शन में। पॉइंट नंबर टू, जब गवर्नमेंट बन जाए तो लीडरशिप में। पॉइंट नंबर थ्री, देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कास्ट के लिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। पॉइंट नंबर फोर, कास्ट के नाम पर वोट बटे हुए जाते हैं। पॉइंट नंबर फाइव, इतना सब कुछ करने के बाद भी एक कास्ट ग्रुप से वोट मांगने से आप सिर्फ नहीं जीत सकते, आपको बहुत सारी कास्ट से एक साथ वोट मांगने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर सिक्स आई गेस या सेवन, कि जनता जो है कास्ट ही नहीं देखती है, जनता कैंडिडेट की एक्सपर्टीज भी देखती है। क्लियरली व्हाइल कास्ट मैटर्स इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, सो डज मेनी अदर फैक्टर्स। वोटर कास्ट से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के सगे होते हैं। वोटर्स एक पॉलिटिकल पार्टी अगर उन्हें पसंद आ जाती है, तो उससे कौन सी कास्ट का कैंडिडेट खड़ा है वो उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं, वो उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करके आते हैं। पीपल विद इन द सेम कास्ट और कम्युनिटी हैव डिफरेंट इंटरेस्ट। लोग एक कास्ट के होते हुए भी उनके विचार जो हैं आपस में मैच नहीं भी कर सकते हैं। जो एक कास्ट में अमीर लोग होते हैं, उसी कास्ट के गरीब लोगों से उनके विचार बहुत ही अलग अलग होते हैं। हो सकता है कि मैं ए कास्ट को बिलोंग करती हूँ, आप बी कास्ट को बिलोंग करते हो, लेकिन आप भी गरीब हो और मैं भी गरीब हूँ, तो हमारी ज़्यादा बनेगी आपस में एज़ कम्पेयर टू मेरी अपनी कास्ट के अमीर लोगों से बनेगी, ठीक है? पीपल्स असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पॉपुलैरिटी रेटिंग ऑफ द लीडर्स मैटर्स एंड आर ऑफन डिसाइसिव इन इलेक्शन। घर पे नहीं पढ़ाना चाहिए इंसान को। एनीवे, पीपल्स असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड पॉपुलैरिटी रेटिंग ऑफ द लीडर्स मैटर एंड आर ऑफन डिसाइसिव इन द इलेक्शन। लोग जो है आपकी परफॉर्मेंस पे आपको रेट करते हैं, आपकी सिर्फ कास्ट पे आपको रेट नहीं करते हैं। तो ये जो इमेज आपको दिख रही है यहाँ पे वोट बैंक, ये वोट बैंक की इमेज आपके उस पॉइंट को दर्शाती है, जो पॉइंट था ना कि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन से पहले सिर्फ एक कास्ट पे ध्यान नहीं देती है, वो बहुत सारे कास्ट पे ध्यान देती है। तो यहाँ पे देखो अलग अलग कास्ट के अलग अलग लॉकर बने हुए हैं, राजपूत, कुर्मी, यादव, है ना, लोहार, कोयरी, एससी, एसटी। यहाँ पे चाबी से क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स वोट बैंक खोल रहे हैं कि हमने जो है वोट के नाम पे, कास्ट के नाम पे इनसे वोट मांग लिया, इनसे वोट मांग लिया। तो डेफिनेटली कास्ट वोट बैंक की तरह काम करती है, लेकिन सिर्फ कास्ट के नाम पे आप इंडिया की डेमोक्रेसी में इलेक्शन नहीं जीत सकते हो। क्यों? वो पॉइंट्स यहाँ पे लिस्ट डाउन करा दिए गए, ठीक है जी। चलिए लास्ट टॉपिक है पॉलिटिक्स इन कास्ट। अब पॉलिटिक्स इन कास्ट का क्या मतलब है, कि आप मान लो तीन कास्ट देखते हैं, ठीक है, कास्ट ए, कास्ट बी, कास्ट सी, ठीक है। मान लो हमारे देश में तीन कास्ट ग्रुप है, चलो एक और ले लो डी, ए बी सी डी, ठीक है। अब इनके बीच में लोग क्या पॉलिटिक्स डालते हैं, कास्ट एज अ ग्रुप में क्या पॉलिटिक्स डाली जाती है, कास्ट के लोगों के दिलों और दिमाग में क्या पॉलिटिक्स डाली जाती है, अब हम इस पे विचार विमर्श करेंगे, ठीक है। इट इज नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट्स कास्ट रिडन, इट इज द कास्ट दैट गेट पॉलिटाइज। सोचो मतलब क्या है इस सेंटेंस का। सेंटेंस का मतलब ये है कि पॉलिटिक्स में तो देश में जो कुछ भी हो रहा है उसे एक्सप्रेस करना चाहिए। देश में धर्म है, धर्म को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। देश में जेंडर है, जेंडर को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। देश में कास्ट है, कास्ट को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। तो ये सब कुछ गलत नहीं है कुछ,
लेकिन गलत क्या है? गलत है बच्चा जब कास्ट के अंदर पॉलिटिक्स घुस जाती है। हर कास्ट ग्रुप चाहता है कि उसकी बात डेमोक्रेसी में आगे रखी जाए। मान लो मैं कास्ट ग्रुप ए को बिलोंग करती हूँ, जस्ट थिंक, मान लो ए कास्ट ग्रुप के 30 लोग हैं, ए से जस्ट नीचे आती है बी, बी में 20 लोग हैं, सी में जो है मान लो 10 ही लोग हैं, और ए से पहले है मान लो एक्स, एक्स में जो है 30 लोग हैं, और डी में मान लो क्या है 20 लोग हैं। ठीक है, मान लो ये इतने सारे कास्ट ग्रुप हैं। अब मैं क्या चाहूंगी, मान लो मैं कास्ट बी को बिलोंग करती हूँ, अब मेरे पास कितने लोग हैं, 20 लोग हैं, जस्ट इमेजिन। अब मैं क्या चाहूंगी यार, मेरे से जस्ट ऊपर वाली जो कास्ट है ना और जस्ट नीचे वाली जो कास्ट है, हमारे में ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं एज कंपेयर टू एक्स एंड डी, है ना। तो अगर हम तीनों साथ में आ जाएं, तो हम कितना बड़ा ग्रुप बना लेंगे, 30 + 20 + 10 यानी कि 60 लोग हो जाएंगे। 60 लोग मतलब हम अपनी डोमिनेशन कर पाएंगे, है ना। सो कास्ट ग्रुप क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि वो ऊंची अपने से एक ऊपर वाली, अपने से एक नीचे वाली कास्ट को मिला के अगर एक बड़ा ग्रुप बना पाएं तो फिर उनकी बात डेमोक्रेसी में ज्यादा आगे रखी जाएगी। वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर इंटू अ कोलिजन विद अदर कास्ट ग्रुप्स और कम्युनिटीज एंड दस एंटर इंटू अ डायलॉग एंड नेगोसिएशन। इसलिए आप पॉलिटिक्स में देखते हो कि कुछ पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप होते हैं, जैसे अपर कास्ट में कुछ कास्ट ग्रुप होते हैं जो एक साथ अपनी बात बोलते हैं, सेम सेम बातें बोलते हैं, अलग अलग कास्ट के हैं लेकिन बातें सेम सेम करते हैं। लोअर कास्ट में कुछ कास्ट ग्रुप होंगे जो सेम सेम बातें करेंगे, अलग अलग कास्ट है उनकी कास्ट में, अपने में भी बहुत डिफरेंस है, लेकिन जब बात रखने की बात आती है तो वो एकजुट हो जाते हैं, अपर कास्ट के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, है ना। सो वेरियस कास्ट ग्रुप्स अपने आसपास गठबंधन बना लेते हैं, कोलिजन बना लेते हैं, ताकि उनका संख्या बढ़ जाए, उनकी संख्या बढ़ जाए, और ताकि संख्या बढ़ जाए तो वो अपनी बात और अच्छे से आगे रख पाए। न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप हैव कम अप, और पॉलिटिक्स की वजह से क्या हुआ है, जो कास्ट ग्रुप पहले एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, अब वो नई कास्ट ग्रुप आ गई हैं। आपने क्लास 9th में पढ़ा था, है ना, आपने पढ़ा था कि सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन जब बैठी थी, सेकंड कास्ट कमीशन जो बैठी थी उसमें बैकवर्ड क्लासेस को हमने कोटा दिया था, है ना, रिजर्वेशन दिया था अदर बैकवर्ड क्लासेस को। तो उसकी वजह से ये बैकवर्ड क्लासेस, फॉरवर्ड क्लासेस जैसी बातें भी आने लग गई सोसाइटी में, जो पहले इंडिया में ट्रेडिशनली ये सब नहीं होता था। ट्रेडिशनली में वही जो चार कास्ट ग्रुप थे वही होते थे, अब फॉरवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, ऐसी बातें भी आने लगी, तो नए नए कास्ट ग्रुप बन रहे। तो कास्ट का ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव रोल भी है सोसाइटी में, नेगेटिव रोल भी है। पॉजिटिव रोल तो आप जान ही रहे हो कि जब हम कास्ट के नाम पे हम इक्वालिटी देते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देते हैं, जो लोअर कास्ट के लोग भी हैं उन्हें भी एडवांटेज मिलता है अपनी बात आगे रखने का, है ना। कास्ट के नाम पे जो दलित्स हैं, ओबीसीज हैं, उन्हें डिसीजन मेकिंग में जब हम रिजर्वेशन दे देते हैं कि पर्टिकुलर जगह पे सिर्फ दलित कैंडिडेट ही जीतेगा, या पर्टिकुलर जगह पे सिर्फ एसटी कैंडिडेट ही इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, तो हम उन्हें वो पावर दे रहे हैं कि भाई अगर तुम्हें अपर कास्ट लोग दबाने की भी कोशिश करेंगे ना तो देश की डेमोक्रेसी में हम तुम्हें लाएंगे आगे, है ना, हम तुम्हें आगे लेके आएंगे ही आएंगे। तो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को काफ़ी फायदा मिलता है पॉलिटिक्स में कास्ट के एक्सप्रेस होने से, उन्हें डिसीजन मेकिंग में, डेमोक्रेसी में अपनी बात आगे रखने में काफ़ी फायदा मिलता है। सेवरल पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैव बिन डिमांडिंग एंड एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पॉपुलर कास्ट, फॉर मोर डिग्निटी एंड अदर एक्सेस टू लैंड, रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज। कई सारी पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कास्ट के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की बात कहती है, जो कहती है कि यार लैंड सबका होना चाहिए, रिसोर्सेज सबके होने चाहिए, अनटचेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए। फिर कई ऐसी भी बातें सुनने को आती हैं जो लोग बोलते हैं कि रिजर्वेशन इक्वालिटी के खिलाफ है। हम देखो डेमोक्रेसी में इक्वालिटी की बात नहीं करते कभी, हम इक्वालिटी नहीं चाहते, हम डेमोक्रेसी में चाहते हैं इक्विटी। क्या चाहते हैं? इक्विटी। हम चाहते हैं कि लोगों को जितने की जरूरत है उन्हें उतना मिले, लोगों को समान ना मिले। 2 साल के बच्चे को और 20 साल के बच्चे को अगर मैं एक एक रोटी दे दूंगी तो 2 साल के बच्चा आधे रोटी में ही उसका पेट भर जाएगा, और 20 साल का बच्चा बोलेगा कि एक रोटी, एक रोटी तो मैं टेस्ट भी नहीं करूंगा, है ना, राइट। तो दोनों बच्चों को सेम अमाउंट ऑफ खाना तो मैं दे ही दे सकती। तो लोअर कास्ट को और अपर कास्ट को मैं सेम अमाउंट ऑफ राइट्स दे दूं तो अपर कास्ट के पास तो सदियों से वैसे ही ज्यादा अधिकार रहे, तो उनके अधिकार तो और बढ़ जाएंगे, लेकिन जो अधिकार हैं वो लोअर कास्ट के लिए पर्याप्त नहीं पड़ेंगे। इसीलिए हम सोसाइटी में पॉजिटिवली कास्ट को जब पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करते हैं तो लोअर कास्ट को थोड़े से ज्यादा अधिकार देते हैं। नेगेटिव रोल क्या होता है? नेगेटिव रोल कास्ट का ये है कि सब चीज़ कास्ट 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 के ऊपर हो जाती है। कास्ट का पॉलिटिक्स में आने से हम लिमिट नहीं कर पाते कि कास्ट
पॉलिटिक्स में कितनी आए, फिर सारे के सारे कैंडिडेट या तो वोट बैंक बनाने लगते हैं कास्ट ग्रुप को, या फिर वो कास्ट के नाम पे यू नो गंदगी मचानी शुरू कर देते हैं। जैसे रिलीजन के नाम पे, जब पॉलिटिक्स में रिलीजन का आना बुरा नहीं है बल्कि ज़रूरी है, लेकिन रिलीजन के नाम पे लोग दंगे कराने लगते हैं। सिमिलरली कास्ट का पॉलिटिक्स में आना बुरा नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स के नाम पे, कास्ट के नाम पे लोग दंगे कराने लगते हैं। डाइवर्ट हो जाती है अटेंशन फिर जो बाकी और सब्जेक्ट्स हैं जो डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पावर्टी, हंगर, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, उनसे जो है अटेंशन सरकार का चला जाता है और सरकार का फोकस सिर्फ कास्ट 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 पे हो जाता है। फिर सोसाइटी में टेंशन क्रिएट होती है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होती है और वायलेंस क्रिएट होता है। तो ये है नेगेटिव रोल। ठीक है बच्चा, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेक्चर। और 6 तारीख को कुछ बहुत बड़ा ला रही हूँ मैं तुम्हारे लिए, धमाकेदार ला रही हूँ, क्लास 9th और 10th के SST और बायो वाले दोनों बच्चों के लिए, दोनों क्या सेम ही बच्चे हो जो दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड टेक केयर।